कभी गर्लफ्रेंड बटाने से पहले घर वालों से पूछा है? कभी कॉलेज की क्लास बंक करने से पहले घर वालों से पूछा है? जब पहली बार सिगरेट पी थी तब क्या घर वालों से पूछा था? या जब पहली बार शराब पी थी तब घर वालों से पूछा था? जब साला ये कांड करने से पहले घर वालों से नहीं पूछते हो तो अचानक से इतनी नेकी, इतनी ईमानदारी कहां से पैदा हो जाती है कि करियर का हर डिसीजन घर वालों को पूछे बगैर नहीं करना है? ये पता होते हुए भी कि घर वाले मना करेंगे फिर भी पूछ लेते हैं। दोस्तों, इंडियन पेरेंट्स की एक मेंटालिटी होती है कि हमारा बेटा कुछ बड़ा करे ना करे पर वो बिगड़ना नहीं चाहिए, और इसके लिए 1760 रेस्ट्रिक्शंस हम पे लगा देते हैं। पर इन रेस्ट्रिक्शंस को भी तोड़ने का एकदम ढासो आइडिया मेरे पास है, जिससे मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया था इंजीनियरिंग का पूरा करियर छोड़ के स्टार्टअप और यूट्यूब में अपना करियर करने के लिए। दोस्तों, मैं एक टिपिकल मराठी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर नौकरी छोड़ के बिजनेस करना सबसे बड़ा पाप समझा जाता है। और शुरुआत से मुझे जॉब में वगैरह कोई घंटा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो खुद का बिजनेस करना था। और घर वालों ने ये बात पहले ही क्लियर करके रखी थी, एक तो बिजनेस करना नहीं है और करोगे तो भी हमसे एक रुपया कभी मांगना नहीं है। अब बिजनेस तो करना था पर उसके लिए पैसा चाहिए, तो मेरे कॉलेज टाइम पे मैं जो भी एक्स्ट्रा काम करता था उससे मिलने वाला सारा पैसा मैं खुद के स्टार्टअप बनाने पे लगाता था। पर एक भी कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं और ना ही मैंने कभी घर वालों को अपने स्टार्टअप के बारे में बताया। मुझे आज भी याद है, जब मैं यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता था तो पहले तो घर वालों की डांट सुननी पड़ती थी कि पढ़ना छोड़ के ये क्या फालतूगिरी कर रहा है, एग्जाम्स में यही आने वाला है क्या, तो अगर इस बार फेल हो गया ना तो देख लियो, वगैरह वगैरह। और ये रामायण महाभारत ना सुनना पड़े और मैं चैन से रिकॉर्डिंग कर सकूं, इसलिए मैं जब घर वाले कहीं बाहर जाते थे तब रिकॉर्ड करता था। ऑब्वियसली मैं रातों रात तो इसमें कामयाब नहीं हुआ, पर 2 साल बाद जब मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था तब मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ। तो मैंने सोचा कि यार चलो, यूट्यूब से जो भी पैसे आएंगे उससे कोई स्टार्टअप कर लेंगे, और बिजनेस करना ही है, इसके लिए मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया, और वो भी घर वालों को बिना पूछे, क्योंकि अगर पहले पूछता तो वो कभी रिजाइन करने ही नहीं देते। पर बाद में जब ये बात घर में पता चली तो एटम बम फूटा, रोना धोना हुआ, कई रिश्तेदारों से मुझे सलाह दी गई, कई दिन तो पापा ने बात तक नहीं की। पर इसके ठीक 1 महीने बाद यूट्यूब से मेरा पहला पेमेंट आया, जो था 2,14,000 रुपए का। और जैसे ही मैंने घर वालों को ये दिखाया, मेरे प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व हो गए। जो घर वाले पहले अपोज कर रहे थे वही अभी तारीफ कर रहे थे। YouTube का पोटेंशियल क्या है, ये चीज मैं उनको पिछले 2 साल से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर जो इन 2 सालों में मैं नहीं समझा पाया वो रिजल्ट्स आने के बाद 2 मिनट में खुद समझ गए। उस दिन के बाद आज तक मेरे फैमिली ने मुझे कोई भी चीज करने के लिए अपोज नहीं किया है, चाहे रिश्तेदार कितने भी कान भरे ये उनकी नहीं सुनते है, उल्टा हर एक चीज में उनका सपोर्ट होता है। दोस्तों, आपके केस में भी ना आप रॉन्ग हो ना आपके घर वाले, रॉन्ग है तो आपका उनको कन्विंस करने का तरीका, क्योंकि यार जो भी तुम्हें करना है उसको साइड बाय साइड करो ना। अगर उसमें आप अपने पेरेंट्स को रिजल्ट्स दिखा पा रहे हो, यानी कि उसमें थोड़ी भी कामयाबी आपको मिल रही है, तो आपको उनको कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उल्टा वो खुद आपको सपोर्ट करेंगे। पर पहले उसके लिए कुछ करके तो दिखाओ। दोस्तों, हम लोग गलती क्या करते पता है, किसी और को देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा सब जगह पर ढोल पीटते रहते हैं, और हमारा ये बचपना देखकर घर वाले पहले ही शॉट में मना कर देते हैं, ये सोच के कि इसको तो कुछ समझता है नहीं, कुछ भी बोलता रहता है। और इसके बाद हमको सबसे बड़ा रीजन मिल जाता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। भाई, ये रीजन नहीं, ये बहाना है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिनको लगता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी तरक्की ना करे, इसलिए बस कन्विंस करने का तरीका बदलो, पहले थोड़ा बहुत कुछ करके तो दिखाओ। दोस्तों, पेरेंट्स जो अपोज करते हैं ना, उसके पीछे और एक रीजन है जो शायद ही कोई नोटिस करता है। सी, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है और ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और इसी वजह से बहुत सारी नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आ रही है। बट बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको इन नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज की आइडिया होती है, और बहुत सारे पेरेंट्स तो बिना उसे जाने ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त है जो मुझसे ऑलमोस्ट 20 से 25 साल बड़े होंगे, वो रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको यूट्यूब के बारे में वगैरह कुछ ज्यादा पता है नहीं। उनका एक बेटा है जो कि अभी 10th स्टैंडर्ड में है, उसको गेमिंग में वगैरह बहुत इंटरेस्ट है और उसको यूट्यूब में अपना करियर बनाना है। इसके लिए वो अपने पापा को, यानी कि मेरे उन दोस्त को, पिछले 2 साल से कन्विंस कर रहा है, पर वो कन्विंस नहीं हुए क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं होता था। पर जिस दिन वो मुझसे मिले और मैंने उनको इसका एक्चुअल पोटेंशियल समझाया और मेरा स्टोरी बताया, उसी दिन उन्होंने उनके बेटे को यूट्यूब में करियर करने की परमिशन दे दी, एंड नाउ दैट गाय इज डूइंग गुड। और ये बात मुझे वापस उस दिन क्लियर हुई कि पेरेंट्स को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप उनको रिजल्ट्स दिखाओ, और जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक उनको मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर उनको उस फील्ड के बारे में आइडिया नहीं होगा तो वो अपोज करेंगे ही करेंगे। अगर एक झूठ की वजह से आपका करियर बन रहा है तो ऐसी जगह पर थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी जायज है। और आज से ये बहाना मारना बंद करो कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानते। जिस भी फील्ड में तुम्हें काम करना है उसमें काम करो। पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से फुल टाइम नहीं कर पा रहे हो तो पार्ट टाइम करो, उसमें जी जान लगा दो और उसमें रिजल्ट दिखाओ। आई कैन गारंटी पेरेंट्स को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी,
और इसके लिए एक बहुत ही तगड़ा मोटिवेशनल ऑडियो मैंने खबरी ऐप पर अपलोड किया है, जो आपको शुरुआत करने के लिए खतरनाक पुश करेगा। इसको एक बार जरूर सुनना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि घर वाले नहीं मानते, ये बहाना है या रियलिटी। और ऐसे ही बहाने मारने वाले सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो बिना भूले शेयर जरूर करना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग अप फॉर द डे। बाय बाय।